बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पर चुनाव नजदीक आते ही राजनीति में काफी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। जहां एक ओर पूर्व मंत्री और बीजेपी की प्रवक्ता पर 7.50 करोड़ रुपए की राशि के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर के आरटीआई कार्यकर्ता हेमराज रघुवंशी ने बीजेपी नेता पूर्व नगर निगम अध्यक्ष मनोज तारबाला पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान निगम क्षेत्र में करीब 200 ट्यूबवेल लगाए हैं और सारे ट्यूबवेल पूर्व नगर निगम अध्यक्ष ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने ही परिवार के लोगों को ठेका दिलाया था और इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार किया गया है। किंतु यह आरोप लगते हुए आरटीआई कार्यकर्ता यह भूल गए कि जितने भी ट्यूबवेल पास किए गए हैं वो केवल अध्यक्ष की अनुमति से नहीं होते हैं, इसमें महापौर, निगम आयुक्त, विधायक और सांसद निधि से भी स्वीकृति होती है। किंतु आरटीआई कार्यकर्ता इन सब को छोड़कर केवल पूर्व नगर निगम अध्यक्ष को ही टारगेट कर रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो मामला उठाया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित होकर ही उठाया गया है। अध्यक्ष रहते हुए मनोज तारवाला के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया है। इनकी खुद की नलकूप खनन कंपनियों और इनसे इनके रिश्तेदारों से संबंधित व्यक्तियों को ही यहाँ के ठेके पूरी तरह से दिए गए। 80 से 90% इनके रिश्तेदारों को ठेके दिए गए और इसके लिए नगर निगम अधिकारियों ने मिलीभगत करके उसके लिए नियमावली बदली। जिस भी आरटीआई कार्यकर्ता ने ये लगाया आरोप मेरे ऊपर, मुझे लगता है ये मेरे ऊपर आरोप नहीं है। यदि 200 ट्यूबवेल मेरे कार्यकाल में हुए तो मैंने किए क्या या मेरे घर हुआ क्या, ये आरोप होता। यदि मेरे कार्यकाल में 200 ट्यूबवेल हुए तो मैंने बुरहानपुर की जनता का सहयोग और विकास कार्य के अंदर किए गए कार्यों में मैंने अपना सहभागिता निभाई है, जिसका न तो ट्यूबवेल की एजेंसी से मेरा लेना देना है। हाँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय के मेरे साथ के सहयोगी महापौर अनिल भोसले जी को कि जहाँ जहाँ भी समस्या आई और जहाँ जहाँ भी उनके पास डायरेक्ट आई या मेरे पास आई, हम दोनों ने मिलजुल कर इस शहर की प्यास बुझाई।